महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग की रस्साकसी थम गई है। जी हाँ, दोनों गठबंधन दलों के बीच में जो सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रही थी, बैठकें चल रही थी और चर्चाओं का दौर चल रहा था, वो चर्चाओं का दौर भी अब थम गया है। मायावती ने सीट शेयरिंग को लेकर पहले अपनी जानकारी सबके सामने रखी और इसके बाद महाविकास आघाड़ी का भी आधिकारिक तौर पर यह ऐलान हो गया है। ऐलान उन्होंने कर दिया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाविकास आघाड़ी ने तय किया है कि सभी पार्टियां बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जी हाँ, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद गुट बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो कि 85-85 सीटें हैं। यानी कि कांग्रेस इस गठबंधन के तहत 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना, यूबीटी 85 और एनसीपी शरद गुट को भी 85 सीटें दी गई है। इस प्रकार से 255 सीटों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। बताया जा रहा है कि 15 सीटों पर बातचीत अभी भी जारी है और जो बाकी की बची हुई सीटें हैं वो गठबंधन के अन्य दल जैसे कि समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और विपक्षी गठबंधन के जो छोटे छोटे दल हैं उन्हें दी जाएंगी। तो इस प्रकार से जो बची हुई 17-18 सीटें हैं वो अन्य छोटे दलों के बीच में बांटी जाएंगी और कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि 15 सीटों पर अभी भी चर्चा जारी है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें से 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी इन 15 सीटों पर भी लगभग बराबर का फॉर्मूला तय हो सकता है। इस मामले में जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई, उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 85 का एकमत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है, जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगी, 18 सीट है जो हमारी, 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूँ। इसी बीच शिवसेना यूबीटी की पहली लिस्ट भी जारी हो चुकी है और इस पहली लिस्ट में 65 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। बहरहाल, इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं।